फ्रेंड्स, 9th क्लास। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है 24th अप्रैल 2020 का, ये इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ कि आपका जो समर वेकेशन होमवर्क था वो कंप्लीट हो चुका है, तो वो जब आप हॉलीडेज के बाद आएंगे तो वो चेक भी होगा और आपने उसको साथ साथ जो आपका डेली का लेक्चर होगा वो भी तो करना है, और जो होमवर्क है आप लोगों का जो कंप्लीट हो चुका है उसको भी देखते रहना। और जब हमारे ये गिवन सिलेबस जो हमें है तो 4 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद हम फिर उनकी रिवीजन भी करेंगे और आपका जो समर वेकेशन होमवर्क था उसकी भी रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेज ऑफ आइसोटॉप्स। तो सबसे पहले हम आइसोटॉप को एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, वैसे तो आप लोग पढ़ चुके हैं। सो आइसोटॉप्स एलिमेंट्स के ऐसे आइटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो उनको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। तो उसके यूजेस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रेडियोथेरापी, यानी कि आइसोटॉप्स के यूजेस में रेडियोथेरापी, कैंसर का इलाज, तो हम पढ़ेंगे इसमें कैसे किया जाता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर आइसोटॉप्स लाइक P32 एंड S90 आर यूज्ड बिकॉज दे एमिट लेस पेनिट्रेटिंग बिटर रेडिएशंस। पी और एस आर, पी आपको पता है फॉस्फोरस का साइन है, उसका जो आइसोटॉप हमने लिया है जिसका एटॉमिक मास 32 है, और एस आर स्ट्रोंटियम का साइन है, वो वाला आइसोटॉप हमने उसका लिया जिसका एटॉमिक मास जो है वो 90 है। तो स्किन कैंसर के इलाज के लिए मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स जैसा कि P32 और SR90 जो है वो यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो कम पेनिट्रेटिंग करने वाली जो बीटा रेडिएशंस हैं तो उनको रिलीज करते हैं। उसके बाद CO60 इज यूज टू क्योर द कैंसर विद इन द बॉडी। CO कोबाल्ट का साइन है, उसका कौन सा आइसोटॉप हमने लिया जिसका एटॉमिक मास जो है वो 60 है। सो कोबाल्ट 60 इज यूज टू क्योर द कैंसर विद इन द बॉडी। सो जिस्म के अंदरूनी हिस्से में जो कैंसर है CO60 आइसोटॉप उसके लिए यूज किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है पेनिट्रेट करने वाली जो गैमा रेडिएशन है उसको रिलीज करता है। नेक्स्ट वन यूज है इसका ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, यानी कि दवा वगैरह के लिए ट्रेसर। द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर्स इन मेडिसिन टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन इट द ह्यूमन बॉडी। आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन 131 आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ गाइटर इन थायराइड ग्लैंड्स। तो इसका ये मतलब है कि जो इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन इंसानी जिस्म में जो है वो ट्यूमर की जो मौजूदगी है ना उसकी डिटेक्शन के लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो है वो ट्रेसर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि उसको डायग्नोज करने के लिए उसकी प्रेजेंस को। थायराइड ग्लैंड्स में गाइटर की तशखीस के लिए, गाइटर जो है वो आपको पता है एक डिजीज है, गिलट भी कहते हैं आमतौर पर इसे, तो उसकी जो उसको डायग्नोज करने के लिए जो है हम आयोडीन 131, आयोडीन का ऐसा आइसोटॉप जिसका जो है एटॉमिक मास 131 है, तो वो हम यूज करते हैं। I-131 से इसको डिनोट किया जाता है, आयोडीन 131 के आइसोटॉप्स जो है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो पॉइंट था ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ये स्टूडेंट्स डायग्राम है आप लोगों के लिए, तो आयोडीन 131 का जो है यूज वो इसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन इज इंजेस्टेड, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि गले के अंदर, यानी कि ये जैसे वो हमने पढ़ा विद इन द बॉडी, तो विद इन द बॉडी जो आप लोगों को नजर आ रहा है
तो ये आप लोगों को जो शो किया गया, तो आयोडीन 131 है वो जो इंजेस्ट करवाई जाती है, तो उससे जो है उसका डायग्नोस किया जाता है जो गाइटर की डिजीज़ है। तो ये जो आपको नॉर्मल साइज से जो हमारा होता है उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको जो है डायग्नोस करने के लिए जो आइसोटोप है वो आयोडीन का 131 तो वो यूज़ किया जाता है। डायग्राम में जो है वो क्लियर आपको अंदर से वो जो गाइटर है उसकी एबनॉर्मेलिटी जो है वो दिखाई जा रही है। नेक्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस ऑफ आइसोटोप। आर्कियोलॉजिकल जो होता है ये आसारियाती कदीमा से जो है वो डेरिवेट है, और जियोलॉजिकल वो अर्थ से रिलेटेड या आमतौर पर अर्थजाति इस्तेमाल इसको कहते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर वन है द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड स्टोन्स एक्सेट्रा। फॉसिल्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुर्दा पौधों जानवरों या पत्थर वगैरह की जो एज की अंदाज़ा वगैरह लगाने के लिए जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉसिल्स जैसा कि आप लोगों को पता है डेड एनिमल्स प्लांट्स या स्टोन्स वगैरह की एज का जो है वो अंदाज़ा लगाने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की हाफ लाइफ की बुनियाद पर बहुत पुराने अजसाम की उम्र मालूम करने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स फॉसिल जिनको कहते हैं बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 इन दैम इज कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग और सिंपली कार्बन डेटिंग। ये वही बात है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की हाफ लाइफ की बुनियाद पर बहुत ओल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं या पुराने जो के सैकड़ों या हजारों साल पहले जो है जेरे ज़मीन दफन हो चुके हैं। हाफ लाइफ में बहुत पुराने अजसाम की उम्र मालूम करने का तरीका, जैसे कोई 1,000 साल पहले है या 200 साल पहले या वट एवर, तो उसकी जो एज वगैरह का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, तो वो जो साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ही यूज़ होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जो जिससे हम मालूम करते हैं उनकी एज वगैरह, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। ये आपके सामने लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग, या फिर इसको सिंपली कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। तो कोई भी जो जानदार हो कार्बन पर मुश्तमिल पुराने अजसाम यानी कि जिनको हम फॉसिल्स कहते हैं। अब जानदारों में आपको पता पौधे भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, इंसान भी आते हैं, ठीक है। उनकी एज वगैरह के डिटेक्शन के लिए एक अहम तरीका जो है वो कार्बन डेटिंग या सिंपली रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग या सिंपली कार्बन डेटिंग भी उसको कहता है, जो कि इन फॉसिल्स में कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी की पैमाइश पर डिपेंड करता है। हमने पढ़े थे ना कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये जब हम लोगों ने पढ़े थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनमें से जो कार्बन 14 था उसकी जो अबंडेंस थी वो बहुत ही कम थी। आइसोटोप्स कार्बन 14 जो था उसकी जो अबंडेंस है वो बहुत ही कम थी कंपैरेटिवली C12, ठीक है। तो जो उसका स्टेबल आइसोटोप है, तो ये क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है तो इसलिए ये यहाँ यूज होता है जो आपका जो है यूजेज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये डायग्राम में आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि जैसे स्केल्टन वगैरह है तो वो 1,000 साल पहले भी अगर मदफन हो जेरे ज़मीन तो उनकी कैसे पता चलता है, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं या केमिस्ट हैं तो उनको कैसे पता चलता है कि इसकी एज क्या थी, इसकी डेथ जो है वो कब हुई है, तो हत्ता के इनकी जो लाइक्स डिसलाइक्स है या जो फोर्सेस वगैरह में जो क्लू वगैरह देते हैं हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं कि इसको जो है अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हुई है तो वो कैसे हुई है, तो उसका ये इसी तरह से ये जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं तो उसके पता चल जाता है कि मतलब कितनी देर पहले इसकी डेथ हुई है, ठीक है। ये किस चीज़ का स्केल्टन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पूरी बॉडी का स्केल्टन नहीं है उसका कुछ हिस्सा है, ठीक है, तो पता कैसे चलता है। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपका इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन डेटिंग कहते हैं।